तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दे, चंडीगढ़ से मिल रही है। हरियाणा बीजेपी ने कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दे, हरियाणा बीजेपी ने प्रदेश कार्यकारिणी के लिए सदस्यों को मनोनीत किया है। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने सदस्यों को मनोनीत किया है। सीएम मनोहर लाल प्रदेश कार्यकारिणी में स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दे, बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, हरियाणा बीजेपी ने कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है, सदस्यों को मनोनीत कर दिया गया है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जिन्होंने सदस्यों को मनोनीत किया, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। अनिल कुमार हमारे साथ, हमारे चंडीगढ़ के ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनिल, घोषणा कर दी गई है प्रदेश कार्यकारिणी की, क्या बड़ा अपडेट मिल रहा है? जी रंजना, प्रदेश कार्यकारिणी के स्थायी मंत्री सदस्य जो हैं 28 बनाए गए हैं, और इसके साथ साथ जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो 38 बनाए गए हैं प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, और मार्गदर्शन मंडल के 6 सदस्य बनाए गए हैं। और जो प्रदेश कार्यकारिणी के स्थायी मंत्री सदस्य हैं उसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, सांसद दुष्यंत गौतम, राव इंद्रजीत सिंह, कृष्ण पाल गुर्जर, गृह मंत्री अनिल विज, रतन लाल कटारिया, कंवर पाल गुर्जर, सुधा यादव समेत 28 नेताओं को प्रदेश कार्यकारिणी के स्थायी मंत्री सदस्य बनाए गए हैं। इसके साथ साथ कमल गुप्ता, घनश्याम अरोड़ा, पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, प्रोफेसर संपत सिंह, पूर्व मंत्री विक्रम यादव, पूर्व स्टेट सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन भूषण भारती, जगदीश चोपड़ा, राजीव जैन समेत 38 सदस्यों को प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया है। वहीं मार्ग दर्शक मंडल के भी 6 सदस्य बनाए गए हैं, आतम प्रकाश मनचंदा, शशिपाल मेहता, नीति सेन भाटिया, भानीराम मंगला समेत 6 सदस्य बनाए गए हैं। जी रंजना, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनिल इस जानकारी के लिए।